नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन पत्रों पर लगे ऑब्जेक्शन पर सुनवाई हुई। नगर परिषद हमीरपुर में जहां एक भी नामांकन रद्द नहीं हुआ, वहीं सुजानपुर नगर परिषद में 3 नामांकन रद्द हुए हैं। इन 3 नामांकनों में 2 नामांकन उस दंपत्ति के भी हैं जो एक भी बार से चुनाव में खड़े हो गए थे। यही नहीं, दिलचस्प बात ये है कि जिस व्यक्ति ने इनके नामांकन पर आपत्ति जताई थी उसका आवेदन भी रद्द हो गया है। उस पर झूठा हल्फनामा देने का आरोप है। निर्वाचन अधिकारी ने उनके नामांकन खारिज कर दिए, यानी अब ये पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव नहीं लड़ने का कारण अतिक्रमण बताया जा रहा है। यूं कहें तो पति द्वारा किए गए अतिक्रमण की मार पत्नी पर भी पड़ी, जिसके चलते उनके लिए भी चुनाव मैदान से बाहर वाली स्थिति हो गई। आपको बताते चलें कि सुजानपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 से पति पत्नी ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसी वार्ड के एक प्रत्याशी ने पति पत्नी के आवेदन में पति का जो आवेदन था उस पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। उसी आपत्ति पर सुनवाई करते हुए सुजानपुर प्रशासन ने फैसला दिया है, जिसमें पति का आवेदन रद्द हुआ है और पति का आवेदन रद्द होने के साथ साथ पत्नी भी उसी परिवार से संबंधित है, जिसके चलते पत्नी का भी आवेदन रद्द कर दिया गया। जिस उम्मीदवार ने आपत्ति दर्ज करवाई थी उसके ऊपर भी झूठा हल्फनामा देने का आरोप है, जिसके चलते उसका आवेदन भी सुजानपुर निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया है। अब सुजानपुर के वार्ड नंबर 7 में 2 आजाद प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। ऐसे अब सुजानपुर में 9 वार्डों में से 36 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। सवाल है, पहले का जवाब ये दिया जाएगा कि 5 ऑब्जेक्शन हमारे पास आए थे, 5 में से हमने सारे हियर किए हैं और डिसाइड किए हैं, 3 रिजेक्शन हैं और 2 हमने जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं ऑब्जेक्शन के बाद एक्सेप्ट कर लिए हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरा सवाल था, जनता को क्या मैंने कहना है, तो मैं यही कहूंगी कि जनता भाग्य विधाता होती है, वो सही कैंडिडेट को चुने, अपने मत का सही उपयोग करें और किसी प्रलोभन में, लालच में या जाति के आधार पर वोट ना करें। कैंडिडेट के हिसाब से अच्छा कैंडिडेट चुने और हमारे लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाएं। देखिए, इसमें डिटेल समरी इंक्वायरी हुई थी और उसमें पाया गया कि रिजेक्शन के कारण एज पर द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द HP म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1994 उसके तहत हुआ है। इसमें सेक्शन 16(1)(c) सेक्शन 16(1)(n) का हमने सहारा लिया है और उसके बाद ही इनको रिजेक्ट किया है।